साथियों, पीटीएम मीटिंग की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना अनिवार्य है, तो उक्त सूचना ऑनलाइन करने की प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट में हमेशा चैनल पर लेकर आपकी सहायतार्थ उपस्थित रहता हूँ। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी जो सूचना है वो अच्छे से ऑनलाइन हो, कोई गलती ना हो। उसके लिए यहाँ आपको, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो ये तीन डॉट मिलेंगे, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपके मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। जैसा कि मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आपको यहाँ ये चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ राइट का निशान हो जाएगा और आपका मोबाइल डेस्कटॉप की तरह आपके साथ कार्य करने लगेगा। अब इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ एक टैब हमें उपलब्ध करवाई गई है विद्यार्थी नाम से, तो आप इस विद्यार्थी नाम की टैब पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है पीटीएम अटेंडेंस का, तो आपको सबसे पहले पीटीएम अटेंडेंस का जो ये टैब है इस पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ ऊपर रेड कलर में एक इम्पोर्टेंट नोट दिखाई देगा साथियों, उसको आपको अवश्य रीड करना है। इसमें आपको कहा गया है एक बार उपस्थिति अंकित करने के बाद पुनः परिवर्तन संभव नहीं होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी उपस्थिति यहाँ दर्ज कर रहे हैं उसे फाइनल लॉक करने से पहले ये ध्यान रखें कि गलती आपसे ना हो। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले सेशन दिखाई देगा, तो सेशन ऑलरेडी आपको यहाँ 2022-23 मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप जिस भी क्लास के पेरेंट्स की उपस्थिति यहाँ दर्ज करना चाहते हैं वो क्लास यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके विद्यालय में जितने सेक्शन चलते हैं वो सेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी और आप यहां से सेक्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। अब आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा यहां शो का, तो इस शो वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। विद्यार्थी का एसआर नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बात, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको यहाँ देखना है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको एक खाली बॉक्स दिखाई देगा। अब आप यहाँ से एक साथ सभी बच्चों के एक साथ टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका यहाँ राइट हो जाएगा और सभी बच्चों के सम्मुख आपको यहाँ राइट का निशान मिलने लगेगा। मतलब इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इन सभी बच्चों के अभिभावकों ने पीटीएम जो मीटिंग है उसमें भाग लिया है। परंतु यदि ऐसा हो सकता है कि किसी बालक के अभिभावक ने भाग नहीं लिया हो, तो आप जैसा कि सभी के सामने आपको यहाँ राइट मिल रहा है उसमें हम मान लेते हैं कि इस बालक के अभिभावक ने यहाँ भाग नहीं लिया है, तो वापस आप यहाँ क्लिक करेंगे तो राइट का निशान आपके सामने से यहाँ से हट जाएगा और बाकी सब बच्चों के रहेगा। तो आप जिसके भी बच्चे के अभिभावक अनुपस्थित रहे उनके सामने से ये राइट का निशान हटा सकते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको मिल जाएगा सुनिश्चित करें का ऑप्शन। यदि आप इंग्लिश में काम कर रहे होंगे तो सेव का मिल सकता है, आप सुनिश्चित करें तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको ये अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने उपस्थिति जो लगाई है वो सही लगाई है, अभिभावक की जो उपस्थिति है पीटीएम मीटिंग में वो आपने सही लगाई है। तो आप यहाँ सुनिश्चित वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा सूची अनुसार पीटीएम में अभिभावक उपस्थित हुए हैं, तो आपको यहाँ यस का ऑप्शन मिलेगा। इस यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर यस पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और फिर आपको आना है यहाँ नीचे की ओर। हाँ, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, तो मैं आपको यहाँ एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ हमने राइट किया था वहाँ यस यस लिखा आपको यहाँ दिखाई देगा, और जो अभिभावक जिस भी बच्चे का अभिभावक उपस्थित नहीं हुए वहाँ से आपने टिक को हटा लिया था, तो इस तरह से आपको यहाँ नो दिखाई देगा। तो इन चीज़ों को आपको चेक कर लेना है कि आप बिल्कुल सही आपने जो उपस्थिति है वो दर्ज करी है, तो आपको यहाँ मिलेगा अंत में ऑप्शन पीटीएम अभिभावक उपस्थिति को सेव करें, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, ऑल स्टूडेंट अटेंडेड सेव सक्सेसफुली, तो अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपके अटेंडेंस से इस क्लास की सेव हो चुकी है, अब बाकी आपको अगली क्लास की सेव करनी है। तो साथियों, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है वो प्रक्रिया मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को बड़े आराम से देखना है और समझना है, तो आप यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा।
क्लोज पर क्लिक करने के उपरांत आपको वापस आना है यहाँ ऊपर की ओर, जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको विद्यार्थी टैब यहाँ मिलेगी। तो आपको फिर से विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा पीटीएम मीटिंग अटेंडेंस का टैब आपको यहाँ मिलेगा। तो आपको फिर जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ साथियों वही आपको फॉलो करना है, फिर से आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इस तरह का प्रश्न खुलकर आ जाएगा। तो आप जिस भी कक्षा की वापस उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं पेरेंट्स की, वो वापस आप क्लास यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे और फिर शो पर क्लिक करेंगे। तो आपको प्रत्येक कक्षा की अटेंडेंस दर्ज करने के लिए इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा। जितनी भी कक्षाएं आपके यहाँ चलती है प्रत्येक कक्षा के अभिभावकों की उपस्थिति आप दर्ज करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है, तभी आप उचित तरीके से पीटीएम मीटिंग की जो सूचना है या उपस्थिति है वो दर्जशाला दर्पण पर कर पाएंगे। अब बात करें इसके बाद आपको क्या कार्य करना है। भाई यहाँ से तो केवल पेरेंट्स की जो उपस्थिति है वो दर्ज हो गई है, अब आगे आपको क्या करना है वो प्रक्रिया भी मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए आपको वापस आ जाना है शाला दर्पण के जो आपका स्कूल लॉगिन का होम प्रश्न है उसके ऊपर। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यालय का, तो आप विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन और खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सामुदायिक सहभागिता का, तो आपको इस स्टेप पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है SDMC / SMC बैठकों तथा PTA बैठकों का विवरण, तो अब आपको यहाँ क्लिक करना है क्योंकि आपकी शाला दर्पण पर रैंकिंग भी बननी चाहिए अपने जिले की ब्लॉक की, जिस भी जिले में या ब्लॉक में आप कार्य करते हैं। अगर आप यहाँ एंट्री नहीं करेंगे तो आपका जो विद्यालय की रैंकिंग भी नहीं बढ़ेगी, ब्लॉक की भी नहीं बढ़ेगी, जिले की भी नहीं बढ़ेगी। तो आपको यहाँ ये सूचना दर्ज करना अनिवार्य, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है साथियों आपकी जो SMC की बैठक होती है उसकी सूचना तो आपको यहाँ दर्ज करनी होती है। आप प्रत्येक माह जो बैठक लेते हैं वो सूचना आप यहाँ आवश्यक रूप से दर्ज करें। आप यहाँ दर्ज करने के बाद जो भी आपके यहाँ सेशन तो आपको ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट मिलता है, आपको केवल यहाँ डेट सेलेक्ट करनी होती है। तो वो डेट आप यहाँ क्लिक कर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा, उससे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या आप यहाँ दर्ज करके यहाँ सेव कर सकते हैं। तो ये तो साथियों SMC बैठक का हुआ है, अभी आपको ये PTA बैठक थी इसमें दर्ज नहीं करना है। आपको फिर आना है यहाँ नीचे की ओर जहाँ आपको मिल जाएगा स्पष्ट अभिभावक परिषद या PTA बैठक का विवरण, अध्यापक अभिभावक परिषद या PTA बैठक का विवरण आपको यहाँ देना है। तो जो भी बैठक आपने लिए उसमें जितने भी आपके सदस्य उनकी सूचना आपको यहाँ दर्ज करनी होगी। तो आप सबसे पहले आपकी PTA बैठक की तिथि को ही आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, आप उसमें से वो तिथि का यहाँ चयन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ जो सूचना देनी है बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या आपको लिख लेनी है। तो जितने भी सदस्य आपकी बैठक में उपस्थित थे उनकी संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद आगे आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा, तो इस सेव के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको पॉपअप विंडो शो हो जाएगी डेटा सेव सक्सेसफुली, और इस तरह से आपको सूचना यहाँ ऊपर वो दिखाई देने लगेगी। आपको यहाँ नीचे फिर से खाली बॉक्स इस तरह से मिलने लगेगा। तो इस तरह साथियों आप जो PTM बैठक है उनकी सूचना शाला दर्पण पर आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।